मानखुर्द में 29 तारीख को एक फायरिंग का मामला सामने आया था। उस सिलसिले में एक महिला की डेथ हुई थी। इसमें मानखुर्द पुलिस स्टेशन की तरफ से एक मर्डर विद आर्म्स एक्ट का ऑफेंस रजिस्टर किया गया था। उसमें जोन 6 की तरफ से हमने 14 टीम फॉर्म की थी और इन टीम्स ने मिलके दो एक्यूज को आज सुबह 4 बजे अरेस्ट किया है। इस सिलसिले में जो वारदात हुई थी, इसमें दो फैमिलीज का ये डिस्प्यूट था। वो पिछले कुछ दिनों से आपस में उनके झगड़े हो रहे थे, विशेषता उसमें महिलाओं के झगड़े ज्यादा हो रहे थे। उसी तरह 29 तारीख को भी एक झगड़ा हुआ जिसमें महिला एक दूसरे से भिड़ी थी। उसके बाद में एक फैमिली से बाप और उसका बेटा, एक सोनू सिंह और उसका लड़का आतिश, ये दोनों ने महिला के ऊपर अटैक किया जिसमें फायर आर्म का यूज किया गया था और उसमें महिला की जगह पे डेथ हुई थी। ये जो दो फैमिलीज है, ये फैमिलीज का झगड़ा था, मंडाला एरिया से था, जिसमें दोनों फैमिलीज के एक दूसरे के ऊपर एनसी और कुछ ऑफेंस भी रजिस्टर किए गए थे, जिसमें रेप विद पॉक्सो और मोलेस्टेशन विद पॉक्सो, ऐसे भी कुछ ऑफेंस पिछले 2-3 महीने में ऑफेंस रजिस्टर किए गए थे। दोनों के ऊपर प्रिवेंट एक्शंस भी पुलिस की तरफ से ली गई थी। इस सिलसिले में जो एक्यूज्ड है, एक्यूज्ड दोनों अभी हिरासत में है, उनकी पुलिस कस्टडी लेके आगे की तहकीकात चालू है। सर, आरोपी जो पकड़े गए, कितना समय लगा था पुलिस को आरोपी को पकड़ने में? जी, ये जो वारदात हुई थी ये 29 तारीख 6:30 बजे हुई थी और 24 घंटे के भीतर हमने दोनों एक्यूज को अरेस्ट किया है। क्या सिर्फ इसमें मानखुर्द पुलिस स्टेशन की टीम ने वर्कआउट किया या इसके अलावा अदर पुलिस स्टेशन भी? इस सिलसिले में मैं खुद 29 तारीख के शाम से मानखुर्द एरिया में मौजूद था और पूरे जोन 6 से 10 टीम और मानखुर्द पुलिस स्टेशन की 4 टीम, ऐसे टोटल 14 टीम इसमें काम कर रही थी और इसमें से 3 टीम को ये दोनों अक्यूज को हिरासत में लेने के लिए कामयाब हुई। लेकिन उस सिलसिले में बैक ऑफिस में काफी इस सिलसिले में काफी टीम्स काम कर रही थी। जैसे कि आरोपी पकड़े गए, पुलिस करके आप लोगों ने अरेस्ट किया, तो क्या इससे पहले भी ऐसे कोई बड़ी वारदात में आरोपी इंक्लूड है और आर्म्स इनके पास आया कहां से, क्या कुछ ऑफिशियल बात का पता चला है? दो एक्यूज में से एक जो अक्यूज है उसका पिछला 307 अटेम्प्ट टू मर्डर का रिकॉर्ड है और कुछ बॉडी ऑफेंसेस है, कुछ इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के ऑफेंसेस उसके ऊपर है। इससे पहले भी उसके ऊपर प्रिवेंट एक्शन एक्सटर्मेंट तड़ीपारी की गई थी और ये जो आर्म्स यूज हुआ है उस सिलसिले में हम पुलिस कस्टडी में उससे तहकीकात करके उसका सोर्स भी जानेंगे। ये जोन 6 की तरफ से इस साल 4 महीनों में अब तक 2 MPDA की कार्रवाई हुई है, 2 मौका की कार्रवाई हुई है। इसके अलावा 57 जो एक्यूज्ड है उनको हमने एक्सटर्न किया है, तड़ी पार किया है मुंबई एरिया से। इस केस के सिलसिले में एक जो लड़का था वो भी एक्यूज था पहले के एक केस में, तो आज अभी उस सिलसिले में उसको भी हमने हिरासत में लिया, आगे की कार्रवाई उसके बारे में भी हम कर रहे हैं।